हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पिनल कोड की सीरीज में अभी तक हम अपने दो चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर थ्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जो किस बारे में बात कर रहा है, चैप्टर थ्री जो है आपका IPC का, ये डील करता है पनिशमेंट से। देखिए, IPC को अगर मैं डिफाइन करने चलूँ, वॉट इज IPC? इट इज द लॉ विच डिफाइंस द ऑफेंस एंड अबाउट इट्स पनिशमेंट। भाई, अपराध क्या है और उसके लिए सजा के प्रावधान क्या होंगे, यही आपको बताता है। इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। सो IPC की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले के 9 लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, पनिशमेंट्स का आज पार्ट वन रहने वाला है। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में जो पनिशमेंट्स दी गई हैं, ये सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 75 तक बताई गई है। हम आज बात करेंगे पनिशमेंट क्या होती है, क्या थ्योरीज हैं पनिशमेंट की, और इंडिया में कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है, और IPC पनिशमेंट्स के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले आपके पास जो वर्ड आता है वो आता है पनिशमेंट। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आती है व्हाट। व्हाट इज़ पनिशमेंट? पनिशमेंट्स मींस जिन मोरल वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को स्टेट ने क्या किया था, इन्फोर्स करने के लिए एक लिस्ट ऑफ ऑफेंस बनाई थी। क्राइम में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्ट को चूज़ किया था जो ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे, और जिनको अगर कोई क्या है उन एक्ट का वॉयलेशन करेगा या ओमिशन करेगा, तो वहाँ पे उसको ऑफेंस की कैटेगरी में लिया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा। सो द रूल्स विच आर मेड बाय द स्टेट फॉर द ऑफेंडर्स टू प्रिवेंट कि फ्यूचर में कोई और ना करे उसको, या फिर टू प्रिवेंट दैट ऑफेंडर। प्रिवेंटिव भी रहता है और रिफॉर्मेटरी भी रहता है, तो वो आपकी पनिशमेंट्स होती है। अब पनिशमेंट्स के लिए थ्योरीज की बात न की जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स क्या क्या है, टोटल चार तरह की थ्योरी यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। इन चारों थ्योरीज की हम बात करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, देखिए सबसे पहली जो थ्योरी आती है उसको कहा जाता है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी जो पोटेंशियल है आपके ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए ये थ्योरी यूज होती है। इस थ्योरी का देखिए, जो इस थ्योरी के फॉलोअर्स थे उनका क्या मानना था कि जो पनिशमेंट देना है ये सिर्फ आपको रॉन्ग डूअर को बचाना, को पनिश करना नहीं है कि उसने एक एक्ट कर दिया हम उसको पनिश कर दें, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दूँ जिससे कि दोबारा वो काम ही ना हो। जैसे खासकर आप बहुत सारी कंट्रीज में देखते हैं, अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसके साथ ऐसी हीनियस पनिशमेंट दी जाती है कि कोई दूसरा, मान लीजिए ए ने कोई ऑफेंस किया तो उसको सज़ा ऐसी दी जाएगी कि बी की तो फिर हिम्मत ही नहीं होगी। इट मींस यहाँ पे इसका सेलमंड जो थे, मिस्टर सेलमंड, सेलमंड बहुत बड़े जूरिस्ट रहे हैं भाई, इनकी तो देखिए हमेशा मेंस में इनकी जो स्टेटमेंट उनको लिखा जाता है, तो सेलमंड इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे कि डेटरेंट थ्योरी के, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात यह थी कि भाई रॉन्ग डूअर ने तो रॉन्ग कर दिया, लेकिन हम उसको पनिश ऐसे करेंगे कि वो एक एग्जाम्पल सेट होगा सोसाइटी में, उसे देख के कोई दूसरा भी नहीं कर पाएगा। सेकंड थ्योरी आती है प्रिवेंटिव नेचर की, प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या होता है, देखिए प्रिवेंटिव मीन्स क्या है कि आप ऑफेंडर को पकड़ के जेल में डाल दो, वो बाहर रहेगा ही नहीं सोसाइटी में, तो चोरी कैसे करेगा, अपराध कैसे करेगा, मर्डर कैसे करेगा, यानी कि ऑफेंडर को सोसाइटी से बाइकआउट कर दो। आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को ना तड़ी पार कर देते हैं, तो तड़ी पार करना क्या है, इट इज़ ए प्रिवेंटिव थ्योरी। वो समाज में रहेगा ही नहीं तो गलत क्या होगा, तो ऐसी थ्योरीज को प्रिवेंटिव थ्योरी कहा जाता है। फिर थर्ड टाइप की जो थ्योरी आती है उसको बोला जाता है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। देखिए पुराने टाइम में इस थ्योरी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। तो यहाँ पे जस्टिस होम्स थे, जस्टिस होम्स,
जस्टिस होम्स ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही थी. इट इज कॉमनली नोन दैट द अर्ली फॉर्म ऑफ लीगल प्रोसीजर वर ग्राउंडेड इन वेंजेंस. यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, इस थ्योरी में जो थ्योरी के फॉलोअर्स होते हैं उनका ये मानना है कि जो ऑफेंडर है ना दैट शुड सफ़र, वो ऑफेंडर को सफ़र करना पड़ेगा, उसने गलत किया है तो उसे सफ़र करना पड़ेगा. मान लीजिए उसने किसी की आँख फोड़ दी तो उसकी भी आँख फोड़ दो ताकि उस पेन को फील करे जो उसने किसी को दिया है. तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के फॉलोअर्स आते हैं. फोर्थ थ्योरी को बोला जाता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी. रिफॉर्मेटिव में क्या है कि भैया हम इनको सुधारेंगे, जेल में रखेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, गीता का उपदेश देंगे और ये मान जाएंगे. ठीक है, दीज आर द रिफॉर्मेटिव थ्योरीज. ठीक है, सो दैट कि जो रिपीटिशन है इसका एक्ट का वो दोबारा ना हो. अब मेन बात आती है, ये तो चार तरह की थ्योरीज आ गई कि इंडिया में कौन सी थ्योरी फॉलो होती है. वी आर इन इंडिया, वी आर फॉलोइंग इंडियन पिनल कोड 1860. तो भैया हमारे यहाँ पे कौन सी थ्योरी फॉलो होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको. इंडिया में होती है मल्टी अप्रोच थ्योरी. से मतलब क्या है, देखिए अब आप आ जाइए रिबटिव थ्योरी की जो बात कर रहे हैं. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है आपकी, रेट्रीब्यूटिव में आँख के बदले आँख, हो सकता है कि वहाँ पे एक्सीडेंटल कोई हो गया हो कुछ, भाई आप ऐसा वो ना करना, सरकमस्टांसिस ने उसको ऑफेंडर बना दिया हो. यानी कि फर्स्ट वी विल डिसाइड द ऑफेंडर, ऑफेंस एंड ऑफेंडर. हम पहले देखेंगे कि ऑफेंस क्या हुआ है और ऑफेंडर क्या है, देन वी विल डिसाइड कि हम कौन सी थ्योरी अडॉप्ट करेंगे. इंडिया में मल्टी अप्रोच थ्योरी फॉलो की जाती है, यानी कि हम रिफॉर्मेटिव पर भी बात करते हैं. अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया सोसाइटी के अगेंस्ट में, रॉन्ग कर दिया, तो आपको जज साहब दे सकते हैं कि जाओ तुम एक साल के लिए सोशल सर्विस करो, उसमें भी आपको छोड़ा जा सकता है. या फिर मान लीजिए अभी आपने कोई ऐसा किया आपको फाइन में छोड़ा जा सकता है, आपको किसी जेल में 6 महीने रख के वहाँ पे आपको देखा होगा आजकल, क्योंकि पहले प्रिजनर राइट्स की बात नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा होती हैं. वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाती है, कोर्सेज कराए जाते हैं, तो काफ़ी तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं. तो फर्स्ट वी विल डिसाइड. अब बहुत रिसेंट में निर्भया केस हुआ है और निर्भया केस के अंदर जो अपराधी थे उनको क्या दिया गया, डेथ पेनल्टी दी गई. क्यों दिया गया, बिकॉज दिस इज अ केस विच इज द फॉल इन द फॉर्म इन द रेयरेस्ट इन द रेयर, रेयरेस्ट इन रेयर केस था ये. एंड डेथ पेनल्टी इंडिया में तभी दी जाती है जब रेयरेस्ट इनटू इन रेयर की बात की जाए. अब इन चार थ्योरीज के साथ साथ में ना एक थ्योरी आपकी जैसे कहीं पे देखा जाए तो कंपनसेशन भी दिया जाता है. ये चीज़ें पहले नहीं थी बट काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए. जैसे आप 357 पढ़ते हैं सीआरपीसी में, स्पेशली जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था जहाँ पे वो एसिड विक्टिम थी, तो उसके बाद से गाइडलाइन जारी की सुप्रीम कोर्ट ने कि कंपनसेशन मिलना चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए. सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इंडिया जो है किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पे बेस्ड नहीं रहता है. अब आते हैं हमारे सेक्शंस की बात कर लेते हैं. तो देखिए सेक्शन जो है यहाँ पे 53 से लेकर के 75 तक पनिशमेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 53 के ऊपर, यानी कि पनिशमेंट की टाइप कितनी है. सबसे पहले आती है डेथ. देखिए यहाँ पे टोटल आप देखेंगे सिक्स्थली तक लिखा है, लेकिन 5 तरह की पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में. जो थर्डली है उसको रिमूव कर दिया गया है, मतलब क्या कर दिया गया है यहाँ से, ओमिट कर दिया गया है. कब ओमिट किया गया, 1949 में ओमिट किया गया था. वो क्या थी हम उसकी भी बात करेंगे. पनिशमेंट क्या है जिनके लिए ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड. अब एक एक पनिशमेंट को हम डील करेंगे और चीज़ें आपके समझ में आती जाएंगी. सबसे पहली है डेथ. देखिए डेथ को कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है. आप ऐसे नहीं है कि किसी को भी, आपने देखा होगा बहुत सारे रेप केसेस, मर्डर केसेस होते हैं जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है लेकिन डेथ नहीं दी जाती है. यही निर्भया वाले केस में आपको दे दी गई डेथ पनिशमेंट.
अभी अहमदाबाद वाले केस में दे दिया गया डेथ पनिशमेंट, एक साथ काफी लोगों को फांसी दी गई। यानी कि अगर डिग्री ऑफ द क्राइम इज सच दैट कि उसके लिए और कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकती है, व्हाट हैज हैपन्ड विद निर्भया इन दिल्ली, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। सो जहां पे ये लगता है कि नहीं, अब कानून के पास और कोई रास्ता नहीं है डेथ पेनल्टी के अलावा, बिकॉज विदाउट फियर यू कैन नॉट इन्फोर्स द लॉ, यू हैव टू क्रिएट सम फियर इन सच टाइप ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें सोसाइटी के लिए जरूरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीसी में कहां इसका प्रावधान दिया गया है। तो देखिए कुछ चीजें आप सबको पता होती है, 302 मुजरिम को ताजराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। ये शब्द आपने अपनी बचपन से लेके बहुत सारी मूवीज में सुने होंगे। और 302 एक ऐसा वर्ड है, 302 आईपीसी, आई थिंक ये मैक्सिमम लोगों को पता है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट है चाहे वो पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन 302 उनको भी पता है। यानी कि जनरल भी जो लोगों की टॉक है उसके अंदर इसकी बात होती है। अब यहाँ पे देखो, जब ये पनिशमेंट दी जाती है ना, तो इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है। जब आप सीआरपीसी, आईपीसी का प्रोसीजर है सीआरपीसी में, जब सीआरपीसी में 354 का सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी गई है, और वो लाइन क्या कहती है कि भाई डेथ सेंटेंस कैसे दी जाएगी, बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, यानी के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि भी कोई भी कानून के, देखो जब लॉ लिखा जाता है तो लॉ ऐसे लिखा जाता है कि कहीं से कोई भी उसके अंदर लूप होल नहीं रहते, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, देखिए डेथ सेंटेंस पे अगर आप देखें तो किसी के ऊपर पूरा एक घंटे का लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल पनिशमेंट को लेके आपसे मेंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है, यू हैव योर व्यूज अबाउट इट्स, यू मे बी फॉर दी इन सपोर्ट ऑफ डेथ सेंटेंस, और यू मे बी हैव सम कंट्राडिक्शन अबाउट द डेथ सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि डेथ सेंटेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या किसी की जान लेना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात आपसे प्री में पूछी जा सकती है। तो डेथ सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात कहाँ कही गई, तो बच्चन सिंह केस में 1980 का ये केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे अपेक्स कोर्ट ने बहुत अच्छे से कह दिया था कि डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है भाई, संवैधानिक है, संविधान का कोई भी यहाँ पे वो नहीं किया। इंडिया में तो ये बात नॉर्मल हो गई है कि जिसको देखो वो किसी भी मुद्दे पे उठ जाता है कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आजकल का ट्रेंड हो गया टीआरपी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है एंड उसने डिसीजन दे दिया। अब दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने क्या कही कि इट विल बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ओनली, कि ऐसा नहीं है कि हम जब हमारा मन करेगा तभी हम उसको डेथ पेनल्टी दे देंगे, वी विल गिव इन द रेयरेस्ट इन द रेयर केसेस, ठीक है भाई। किसी ने इतना हीनियस क्राइम कर दिया, छोटी सी बच्ची के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया, बहुत ब्रूटल होते हैं, आप जब केस लॉज पढ़ते हैं तो आप उसके फैक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि किस टाइप के, मतलब जिनको आप इंसान ही नहीं कह सकते, ऐसे लोगों के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करते हैं। अब वहां पे जाने के इस पहले तो ये कैटेगरी में फॉल करने चाहिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, अब वहां पे आने के बाद कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा, यानी कि जरूरी नहीं कि उसको दे ही जाएगी, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो उसको देगी कि नहीं देगी, ठीक है। तो बच्चन सिंह वाला केस बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, और इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सीआरपीसी में 354 के 5 इस सब सेक्शन को भूलना नहीं है, जब हम सीआरपीसी में जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, कोई पूछ ले आपसे वकील हो आपकी फांसी सजा दी गई कहाँ लिखा गया कैसे देंगे, तो भाई 354 के सब सेक्शन 5 में लिख रखा है कि जब फांसी लगाकर, गर्दन में फांसी लगाकर, पैरों में नहीं लगानी है, ठीक है, और जब तक लटका करो जब तक मर नहीं जाए, ठीक है। तो फांसी तो आजकल बड़ा एक हाईलाइटेड इशू है खैर इंडिया में, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में जहाँ पे इन्होंने इसको एबोलिश भी कर दिया गया है, ह्यूमन राइट्स वाले इसका दूसरे दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में बोलते हैं, तो कई सारी कंट्रीज इन्होंने
कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश कर दिया, बट इन इंडिया स्टिल इट एग्जिस्ट एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एज पर द बच्चन सिंह स्टेटमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरी तरह की पनिशमेंट क्या आती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा। बहुत बड़ा एक मिथ सब लोगों में रहता है कि उम्र कैद की सजा को 20 साल माना जाता है। ये जनरली आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि ये 20 ईयर्स है, और मैं यहाँ तक देखा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को जो कहते हैं कि सर आईपीसी में लिखा है, आईपीसी में लिखा है सर कि ये 20 साल है। तो मैं पूछा कहाँ लिखा है भाई, बोला सर आप सेक्शन 57 नहीं पढ़े बताइए, आप टीचर हो और आपने सेक्शन 57 नहीं पढ़ा, वहाँ पर लिखा है ये 20 साल है। तो मैंने उससे कहा कि भाई काम करो दोस्त, जाओ मालिक गुरुदेव आप जाके पहले खुद से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उस सेक्शन को यार, आप अपने स्मिथ को दूर कर लीजिए। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, LI लिख देते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सीधा सा मतलब है कि बचा हुआ जीवन, जब आप जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी। अरे आप योग करते हो, आप योगा मास्टर हो गए हो जेल में जाके, और आप जी गए 300 साल तक, तो 300 साल तक भी आपको जेल ही रखेगा, छोड़ेगा नहीं आपको वहां से, लेकिन छोड़ा जा सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं छोड़ा जा सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर सकता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है, और वो डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट कर सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करते हैं जनरली, बट एज पर सेक्शन 54 इन एनी पनिशमेंट, किसी भी पनिशमेंट में कम्यूट कर सकते हैं। देखिए आपके सारे सेक्शन लगभग 53 में ही कवर हो जाएंगे, फिर हम उनको एक बार में पढ़ते चलेंगे, सब समझ में आ जाएगा। यानी कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिली है तो उसके पास दो रास्ते हैं। यहां एक ब्लैंक स्लाइड लेके हम समझते हैं। देखिए किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई, एक को कोर्ट ने क्या किया कि डेथ सेंटेंस दे दी भाई, हैंग टिल डेथ, कलम तोड़ दी जज साहब ने, कलम तोड़ते देखा ना कि दोबारा ऐसा फैसला ना लिखना पड़े। अब इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने एक वर्ड यूज किया है एप्रोप्रिएट, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिख लीजिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस दैट मे बी स्टेट गवर्नमेंट और दैट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कम्यूट कर सकती है, कम्यूटेशन दे सकती है। कब तक, एनी डिस्क्रिप्शन, एनी डिस्क्रिप्शन मीन्स उसको LI में कर सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट में कर सकती है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में कर सकती है, फाइन में कर सकती है। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो उसको बिल्कुल छोड़ देगी या बिल्कुल उसको फांसी सजा से सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रखेगी। क्योंकि जब आप सेक्शन 54 पढ़ते हैं, सेक्शन 54 बेयर एक्ट में पढ़ते हैं, तो वहाँ ये चीज़ क्लियर लिखी गई है कि टू एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाई IPC। तो IPC ने 53 में भाई 5 तरह की पनिशमेंट दी है, डेथ मिली थी, 4 बच गई, तो बाकी 4 में किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। दूसरी आती है पार्डन। पार्डन कौन कर सकता है, पार्डन आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्डन आपके गवर्नर कर सकते हैं, और ये क्या है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। तो जो कम्यूटेशन है ये कैसे पता लगे, कम्यूटेशन जो है आईपीसी में सेक्शन 54 और 55 इससे डील करते हैं, और CRPC में इसका प्रोसीजर दिया गया 433 में, ठीक है। तो आप जब CRPC में इसके प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो कम्यूटेशन आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक बात, दूसरा हमने कहा कि पार्डन दे सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो प्रेसिडेंट की पावर्स कहाँ पे दी गई हैं, आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि यहीं पे इस चीज़ को थोड़ा सा ना हम और एलोबरेट कर लेते हैं ब्लैंक स्लाइड से। पार्डन, पार्डन कहाँ कौन देता है, ये आपने सबने सुना है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, माफ़ी की भाई याचिका लगाई जाती है, बहुत सारी जो फांसी हैं इंडिया में इसी वजह से लंबित रहती हैं। लेकिन आर्टिकल 72 ये सबको पता है कि प्रेसिडेंट की पार्डन पावर यहाँ पे है, लेकिन क्या आपको पता है कि 72 सिर्फ पार्डन से डील नहीं करता है। जो कम्यूटेशन हम यहाँ पढ़े हैं 72 में भी इसका प्रोविजन दिया गया है। 72 को देखिए यहीं पे, अब 72 में एक चार्ट बना के चिपका लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
मैंने टोटल यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 एरोज दिए हैं। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास 5 तरह की पावर है 72 में। जी हाँ, पार्डन जो कि फेमस है, सबको पता है। इसके अलावा रिप्रीव यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन, ठीक है, रिप्रीव कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, रिस्पाइट, रिस्पाइट के बाद रिमिट और कम्यूट, यानी कि प्रेसिडेंट भी कम्यूट कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 72, ठीक है। तो देखिए, जो चीज़ें आपने सुनी सुनाई है वो तो ठीक है, लेकिन अपनी नॉलेज को पूरा करना है, यही डिफरेंस है एक क्वालिफाइड लीगल एक्सपर्ट में और एक नॉर्मल सिटीजन में। इसीलिए तो लोग वकीलों के पास आते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें पता होती हैं जो किसी और को पता नहीं होती। चलिए बैक टू अवर टॉपिक। तो अभी हमने डेथ के बारे में अच्छे से समझ लिया, डेथ का आपको सब चीज़ें क्लियर होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट को आपने समझ लिया। अब यहाँ पे थर्डली, आपके बेयर एक्ट में थर्डली जो है वहाँ से नहीं लिखा है, सिर्फ फोर्थली है। तो थर्डली कहाँ गया भाई, थर्डली को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। कब, 1949 में। जी हाँ, सॉरी 1949 के अंदर थर्डली को ओमिट कर दिया गया है। थर्डली था क्या यहाँ पे, देखिए अमेंडमेंट सेकेंडली में भी हुआ है। जी हाँ, सेकेंडली में जो है 1956 से पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज होता था जिसको कहते थे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया गया। सेक्शन 53A आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था क्या, काला पानी की सजा आप सबने सुनी है मूवीज में, ठीक है। तो काले पानी की सजा जो दी जाती थी उसको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बोला जाता था, ठीक है। तो इसको जो है 1956 में सेक्शन 53A इंसर्ट किया गया और उसके तहत इस वर्ड को हटा दिया गया। अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था, जहां पे सबसे फेमस जेल भी है वहां की, और उसे काले पानी की सजा कहा जाता था। अब आता है थर्डली। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा लोग 53 इसको थर्डली को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ बता देते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि वही चीज़ें डिलीवर कीजिए जो करेक्ट हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ डिलीवर करें, बट जो डिलीवर करें करेक्ट होना चाहिए। चलिए, वो हमारा काम नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करनी है। हरियाणा में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन 13 कब ओमिट हुआ है 1950 के AO में, तो ये चीज़ें बाद में भी पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट डाउन कर ले, थर्डली के अंदर 1949 में ओमिट कर दिया गया, और थर्डली में क्या लिखा हुआ था, थर्डली में आपका लिखा था पीनल सर्विट्यूड, पीनल सर्विट्यूड। जी हाँ, ये आपकी जो थर्डली है, थर्डली पनिशमेंट होती थी, जिसको 6 अप्रैल 1949 को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया था। अब ये था क्या यहाँ पे, देखिए पीनल सर्विट्यूड का मतलब होता है ऐसी इम्प्रिजनमेंट, वेरी हार्ड लेबर, जो बिल्कुल अमानवीय स्थिति में किसी को रखा जाए, ऐसी सजा दी जाए जहाँ पे इंसान को बिल्कुल जानवरों से बदतर हालत में, उनसे काम बहुत ज़्यादा कराया जाए, बुरी तरह से रखा जाए। तो इसको ह्यूमन राइट्स की वजह से हटा दिया गया है, ये पनिशमेंट जो है अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थली के ऊपर, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की सजा। अब सजा दो तरह से हो सकती है, या तो रिग्रेस हो सकती है यानी कि हार्ड लेबर के साथ, या फिर सिंपल हो सकती है। सिंपल में कुछ नहीं, आपको खाना है, पीना है, सोना है, फिर खाना जाए, फिर खाना है, पीना है, फिर सोना है, और भगवान का नाम जपना है कि मैं दोबारा से कोई अपराध नहीं करूँगा। लेकिन रिग्रेस में आपसे काम कराया जा सकता है, खेतों में काम करा सकते हैं, बहुत सारे जेलों में आपने देखा हो खेती तक की जाती है, तो वहाँ पे आपसे कई तरह के काम कराए जा सकते हैं। और जब भी आप IPC में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट द पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन मीन्स
वो रिग्रेस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है. एंड सम वेयर इन सम सेक्शंस यू विल फाइंड विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कारावास की जो है एक तरह का प्रकार है कि एक तो सश्रम कारावास और एक बिना श्रम के साधारण कारावास. फिफ्थली जो आता है वो है फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को कौन कर लेगी, गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेगी, सीधी सी बात है. और फिर आ जाता है सिक्स्थली फाइन, जो सेक्शन 63 से लेके 70 तक डील करता है, यानी कि सिर्फ फाइन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अब फाइन कितना होना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, कितना भी हो सकता है. बट एक वर्ड ऐड कर दिया गया, ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट, कि इट शुड नॉट बी एक्सेसिव. अब एक्सेसिव का मतलब क्या है, आपने एक रिक्शे वाले को पकड़ा और उस पर 50 लाख का फाइन कर दिया, उसके लिए एक्सेसिव हो गया. आप किसी बिजनेसमैन को पकड़े उस पर 50 लाख का फाइन लगाए. अभी जूही चावला के ऊपर फाइन लगाया गया था 20 लाख का, जो 5G को लेकर उसने क्रिट फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है. तो भाई फालतू की रिट थी, उसके ऊपर लगा दिया गया क्या उस पेटिशन पे उनके ऊपर. CPC ने बहुत अच्छे से केस को डिस्कस किया था उसको, तो वहाँ पे 20 लाख लगा दिया गया. अगर वही कोई नॉर्मल व्यक्ति होता जिसकी कमाई कुछ नहीं, उस पर 20 लाख लगाते तो क्या हो जाता, वो एक्सेसिव हो जाता. तो 63 इस बात को कहता है. फिर कब कितना फाइन देना है, कैसे देना, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डील करेंगे. देखिए 53A 1949 के अंदर यहाँ पे आया और इसने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, कि जहाँ कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है उसको क्या समझा जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. सेकेंडली में क्या हो गया, चेंज हो गया, एनी किसके, सेक्शन 53 के, एनी रेफरेंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, अगर उसका एक्सप्रेशन ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है तो दैट विल बिकम reference to imprisonment for life, and if the expression means transportation for any shorter term, तो उसको भी अगर देखो सीधा सा बात है, transportation for life है तो life imprisonment हो गया, otherwise transportation है तो वो हट गया. बस आपको ईयर याद रखना है. सो इसके आगे के जितने भी sections हैं वो हम next video में cover करेंगे. आज हमने punishment को समझा, ठीक है, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं. कम्यूटेशन भी लगभग हमने कवर कर लिया, ठीक है, 54 है और 55 है, कल हम इसको थोड़ा सा और डील कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है. कुछ दिनों का गैप हो गया था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशूज. Now I am back and definitely on the regular basis videos will be available to you. So अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी ये जो है चैनल का लिंक शेयर कर दें, ताकि हमारा जो MK लीगल शिक्षा का परिवार है ये और भी बड़ा हो सके. तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.